मेहनत करने वाला अल्लाह के करीब है। इंसान को कभी भी हारनी नहीं चाहिए। जज्बाए जुनून हिम्मत न हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तूर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तूर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, पहले भी मैंने शुरुआत में आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट क्लिप्स चलाएं, हमारे साथ जो बहन बैठी हुई हैं, लिखना पढ़ना भी आप लोगों ने इसका देखा कि कैसे किस तरह राइटिंग करती हैं, किस तरह ज़िंदगी के मामूलात गुजारती हैं, अपने घर का काम काज भी करती हैं और इसकी स्टडी भी साथ साथ में जारी हैं। इनके जो वालिद हैं ज़ईफ़ हैं और मज़दूरी करते हैं। माँ को कैमरे पे बिठाना चाहता था लेकिन वो कैमरे पे नहीं आना चाहती थी। आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने पहले देखा कि ये कपड़े धोती हैं, तो जाहिर सी बात है सिस्टर कहना चाहती कि हमें दो चीज़ें, मेरा स्टडी जारी वो मैं जारी रखना चाहती हूँ और मुझे एक वॉशिंग मशीन दिला दें। तो जानना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के मामूलात कैसे गुजारती हैं। सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर आप अपना नाम बताएं। स्मीना मुख्तार। और आजकल स्टडी कैसे जा रही है आपकी, क्या कर रही हो स्टडी के, क्या कर रही हो मतलब स्कूल में क्या करती हो आप? अभी आईकॉम क्लियर किया मैंने। बीआईकॉम क्लियर किया आपने? जी आईकॉम क्लियर किया। अच्छा, और मैट्रिक तक आप, फर्स्ट ईयर तक आप रेगुलर पढ़ती थी? जी मैं रेगुलर जाती रही। अच्छा, और साइंस में? मैट्रिक साइंस में किया ना? नहीं आर्ट्स में किया। आर्ट्स में किया। जी। अच्छा अच्छा, आप ये आपने लिखा है मेहनत करने वाला अल्लाह के करीब हैं, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हानी चाहिए। जी। इसमें एक, इसके पीछे बहुत बड़ा राज भी है। किस नवियत पर आप ये बात आपने लिखी है? क्या मतलब आप जो आपके हाथ कटे हुए हैं, आप अपने लिए ये बात करना चाहती या पूरे जो इंसान इन सब के लिए बात करना चाहती हैं? इन सब के लिए बोलना चाहूँ कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। अच्छा, आप जिस तरह ज़िंदगी के मामूलात आप नमाज पढ़ती हैं इसी तरह आप नमाज पढ़ती हैं? जी। और देखें नाज़रीन, ये एक लड़की हैं, हमने इसका वजू, ये मुंह पे पानी मारना या हाथों पे, वो हम नहीं दिखा सकते थे क्योंकि कुछ चीज़ें हम दिखाते हैं कुछ चीज़ें हम नहीं दिखा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं सिस्टर के आपकी जो अखराजात हैं, अभी तक जो स्टडी जारी रखी हुई हैं, इनके लिए पैसे कहाँ से आते थे? मेरे अबू का करते थे। अच्छा, तो वो काम काज करते हैं? जी। मेरे क्या काम करते हो? मेरे अबू मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। जी। अच्छा, आप जिस तरह पानी पीते इसी तरह अपने लिए पानी ला के वो खुद पीती हैं? जी। और जो खाना है वो भी आप इसी तरह खाती हैं? जी। अच्छा, और नमाज भी इसी तरह पढ़ती हैं? जी। अच्छा, घर का काम काज भी इसी तरह करती हैं? जी। अच्छा, ये जो लिखना पढ़ना है आप जब आ जाती हैं तो उसके बाद आप स्टडी का काम करती हैं? हाँ जी, उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं जी। वैसे आप, आपके हम उम्र लड़कियाँ या आप जो आप मेरी तरफ़ देखिए या किसी और की तरफ जिसके अच्छे हाथ हाथ हैं और आपके हाथ नहीं हैं, क्या फील करना चाहती हैं? तो दुख होता है तब देख के। दुख होता है? जी, मगर शुक्र है खुदा का, जिस भी हाल में रखे राजी रहना चाहिए। कभी अब्बू मामा को कभी 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 उनके सामने कभी रोई हो कि मैं किस हाल में हूँ? नहीं, कभी रोई नहीं है। क्योंकि जब वो नहीं मेरे सामने रोते, वो नहीं मुझे मेरी कमी का एहसास नहीं देते, तो मैं क्यों रोऊं उनके सामने? अच्छा, वहाँ जब आप मैट्रिक तक जब आप स्कूल जाती थी तो लड़कियों की वहाँ पर आपके साथ रवैया कैसे था? शुरू शुरू में सब देख के हैरान होते थे, कोई जल्दी बात नहीं करता था, और बाद में जब वो मुझे मेरे साथ थोड़ा टाइम गुजारते फिर वो मुझे बाप संग समझते थे, बात भी करते थे, अप्रिशिएट भी करते थे। अच्छा, शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती थी बस। शुरू शुरू में प्रॉब्लम? जी। अभी भी जब आप स्टडी के लिए जाती हो, घर से निकलती हो, तो क्या मुश्किलात आपके सामने पेश आते हैं? नहीं कि बैग उठा के ले जाना होता है, वहाँ पे जाना होता है। अच्छा। बुक्स वगैरह दोस्त निकाल के दे देती हैं। अच्छा, बुक्स वगैरह आपके दोस्त आपको निकाल के दे देते? जी। क्या करना चाहिए आपके लिए? आप मतलब स्टडी तो आप करना चाहती हैं, आपके दिल में ऐसे क्या है कि आप स्टडी भी जारी रख रही हो? गरीबी भी है, गुर्बत भी हैं,
और घर के काम काज भी हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या करें हमारे खुदादाद या हुकूमत बाला से या हुक्मरानों से, वज़राओं से, एमपीओ एमएनओं से, उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके लिए क्या करें, आपके दिल की दिली ख्वाहिश क्या है? यही कहना चाहती हूँ कि मैं पढ़ के अपना एक इदारा बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं अपने जैसे बच्चे और उन बच्चे जो अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकते घरेलू अखराजात की वजह से, पैसों की वजह से, मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ। मगर इतने पैसे हमारे पास नहीं कि मैं अपना ऐसा स्कूल बनाऊँ, तो मैं हुकूमत को यही कहूँगी कि वो मेरी मदद करें। अच्छा, आपका यही मकसद है कि मैं एक इदारा खोलना चाहती हूँ जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, यही आप कहना चाहती हैं? तो आप मुझे बताएं सिस्टर कि यहाँ पर आपके जो बड़े बड़े लोग हैं एमपीए मैंने या हुकूमत की तरफ से आपको कोई आया नहीं है कि चलो एक मेहनती लड़की हैं जो इतनी अच्छी राइटिंग भी करती है, मैं भी इस तरह अगर अपने हाथों से लिखूँ तो मैं ऐसे अच्छी खासा राइटिंग मैं भी नहीं कर सकता, इतनी अच्छी राइटिंग है आपकी, इतनी अच्छी काम वर्क है आपकी, फिर भी आपके पास कोई आया नहीं कि आपके लिए कोई मतलब ऐसी फिनंशली आपको सपोर्ट करें? हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया। अगर हुकूमत आई होती तो आज मुझे यहाँ पे ना होना, यहाँ पे ना मैं होती, अगर हुकूमत ने कुछ किया होता तो। अच्छा, आप जब घर आती हो तो जाहिर सी बात है आपकी माँ भी वहीं पे, तो पानी ये चीज़ें काम झाड़ू वगैरह ये आप उसके साथ ही करती हैं? जी। अच्छा, कपल फैमिली होते हैं या माजूर होते हैं उनका अपना एक कोटा होते हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको आप लोग जॉब भी दें और सरकारी नौकरी भी दें, अगर ये नहीं कर सकते तो इनके लिए ये इनकी दिली ख्वाहिश है, आप लोगों ने इनका ज़रूर पूरा करना है। तब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, वापस।